मध्य प्रदेश के सीधी में रॉन्ग साइड से आ रही हाइबा ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में 8 लोग सवार थे, जिसमें मां बेटी और 1 साल की नातिन समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मां बेटी और नातिन रामपुर नेकिन थाना क्षेत्र के ग्राम कुड़िया के रहने वाले थे। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल माँ का नाम प्रेमवती तिवारी, बेटी सीता तिवारी, नातिन बिट्टू तिवारी और भोले तिवारी शामिल हैं। वहीं 4 लोग घायल हो गए। घायलों में मोहित रावत, रजनीश तिवारी 1.5 साल का बच्चा, रुकमणि केबट में शामिल है। सीता शादी के 10 साल बाद मायके जा रही थी, उसे 8 साल बाद बेटी पैदा हुई थी। हादसे में उसकी भी मौत हो गई। घायलों को संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया गया। यह हादसा बीते दिन दोपहर ग्राम बड़ोरा के पास जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर हुआ। प्रत्यक्षदर्शी प्रवेंद्र कुमार मिश्रा ने हादसे के बारे में बताते हुए कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ बड़ोरा के पास के पान की गुमटी पर खड़ा होकर दुकानदार से पान लगवा रहा था। इसी बीच अचानक बम फटने जैसे धमाके की आवाज आई। जब पीछे मुड़कर देखा तब हाइबा ने ऑटो को टक्कर मार दी थी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जब साथियों के साथ पास गया तो देखा कि खून से लथपथ 2 महिलाएं पड़ी हैं और दुधमुही बच्ची की सांसें चल रही हैं। हमारे सामने ही उसने भी दम तोड़ दिया। हालांकि 4 लोगों की हालत गंभीर थी। 108 एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल किया, सभी को अस्पताल भिजवाया गया। फिलहाल इस हादसे के बाद एक बार जरूर एमपी दहल उठा है। 6 का उपचार जारी है। 1 बच्चे की हालत खराब होने के कारण बेहतर उपचार के लिए रीवा मेडिकल कॉलेज में 3 आदमी तत्काल खत्म हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।